टच नहीं होता ना, होता ना वो नहीं, मत कराओ घड़ी कर तो अच्छे से, कुछ ना कर नहीं रहा, कुछ कुछ भी प्रेस नहीं कराने का, अभी रोशनियाँ मस्त दिख रही है। वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। तो ये रेंडम ब्लॉग शुरू किया था मैंने यहाँ पे जस्ट लाइट चेक करने के लिए मेरे कैमरा की, और बस इसको मैंने कंटिन्यू कर लिया। तो ये नए कपड़े थे हमारे, तो वही हस्बैंड पूछ रहे थे कि इसको इस्त्री कराना है कि नहीं। जब रोते हुए शूट करूं, रोज रोज शूट करूं रे भाई, मारो रे आजमा को, मारो रे उसको, मारो, ए चल हम बकर जल्दी है। सो बस मैं खाना बनाने जा रही थी, एक्चुअली मैं खाना बनाने ही गई थी, तो आपके भाईजान की आवाज़ आई थी कि इधर आ बच्चा, कौन से कपड़े प्रेस में देने के। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज चिकन, तो चिकन मैंने फ्रीज़र से निकाल के रख लिया है, ये साफ़ करके हमने फ्रीज़र में रखे थे, अभी मैं यही बनाऊंगी। और आज़म रो रहा है, वजह मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। एक्चुअली ना उज़्मा उसको सीधा कर रही थी, पलटी था वो सीधा कर रही थी, तो थोड़ा ज़्यादा जोर से झटके से हो गया, तो रोने लगा। ये क्लिप मैं ब्लॉग थोड़ी बना रही, मैं तो सिर्फ देख रही कि कई अल्लू मेरे बच्चों को मारे, कौन मारा मेरे बच्चों को, कभी मार ली, गलती से लगा बाबा आप भी नहीं मारेगी मेरे बच्चों को, अम्मी से ज़्यादा प्यार अपनी करती तुमको, तुमको कौन प्यार करती सबसे ज़्यादा, आपकी प्यार करती सबसे ज़्यादा है ना, तुम्हारे लिए खेलती है ना वो, है ना, तुमको हंसाने के लिए एड़े चाले करती ना वो, है ना, ऐसे थोड़ी जानबूझ के थोड़ी मारेगी आपकी। बोल बोल सबको, बोल सबको, बोल क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, बोल बराबर कैमरा में दिखता है, बोल सबको, बोल मेरे को लगा अभी मैं लो या अभी फिर ला अभी क्या बोली, ये लिखा है नेम एनी टू एनिमल्स दैट, और ये क्या डॉट 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 है, बस वो तेरी क्लास क्वेश्चन में ऐसी था। टेस्ट ड्राइव पे गए है, गाड़ी बिकने वाली है, हमारी गाड़ी बिकने वाली है। जब गाड़ी बिकेगी तो दूसरी गाड़ी इंशाल्लाह देखेंगे। सो ऐसा है। सो गाइज, हमारी गाड़ी की डील हो गई है, खरीद ली गई है हमारी गाड़ी, अब हम दूसरी गाड़ी लेंगे। पूरी अच्छी तरीके से चेक करके उन्होंने 1.25 घंटे देख के फाइनली खरीद ली हमारी गाड़ी। तो आज खाने में बनता है, क्या बन रहा है बताऊँ आप लोगों को, आधा किलो चिकन लाए थे कल, तो आधा मैं बना रही हूँ सालन, उसके लिए दही निकाल के रखा है, और आधे को मैंने मसाला लगा के रखा है, इसको करूँगी फ्राई। मैं बनाने वाली थी दाल चावल और चिकन फ्राई, लेकिन उज़्मा की डिमांड है कि सालन भी चाहिए और क्या बोलते हैं उसको, फ्राई भी चाहिए, तो मैं दोनों बना दे रही हूँ, ताकि सालन बन जाएगा ना तो क्या है, कल दोपहर में भी चल जाएगा। चाय बनाया तो चाय पी ली, तो वही पड़ा है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे ना मैंने इसमें क्या क्या डाला, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सरसरी मैंने पहले खड़े गरम मसाले डाले तेल में, उसके बाद मैंने कांदा पीस के ऐड किया, दो छोटे छोटे कांदे थे, उसके बाद मैंने एक जार लिया, उसके अंदर अदरक लहसुन लिया, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा जीरा,
थोड़ा सा धनिया, लाल मिर्च की बुक्की, हल्दी की बुक्की और गरम मसाले, जावित्री फूल, दगड़ फूल, कमल फूल, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करके पीस लिया। अब वो गरम मसाला और अदरक लहसुन मैंने ऐड किया, उसके बाद टमाटर ऐड किया, एक ही टमाटर था देसी वाला, वो पीस के ऐड कर दिया। उसके बाद चिकन और आलू को ऐड किया, उसके बाद दही को ऐड किया और अब मैं भून रही हूँ, ठीक है। और ये चिकन में मैंने डाला है थोड़ी सी, एक चम्मच दही और लाल मिर्ची की बुक्की, हल्दी की बुक्की और अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और बस गरम मसाला पाउडर नहीं डाली मैंने इसके अंदर। गरम मसाला पाउडर नहीं डाल के देखना, एक बार बना के देखना कितना टेस्टी लगता है। क्यों नहीं डाली? क्योंकि हम लोग जब खाते हैं तो अदरक लहसुन सॉरी गरम मसाला ऐड करते हैं, बट उज़मा ने डिमांड किए कि अम्मी झींगे के मसाले में चिकन फ्राई करके देना, तो झींगे में मैं गरम मसाला नहीं ऐड करती। और बिना गरम मसाले के भी चिकन फ्राई बहुत अच्छा लगता है, कभी ट्राई करना। देर ही बेटा, रुकना जरा। और हाँ, मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड की थी, थोड़ी सी कसूरी मेथी। और अब मैं यहाँ पे पानी को बॉईल कर रही हूँ, गर्म करके पानी इसमें ऐड करूँगी और फिर आलू भी गलेगा, चिकन भी गलेगा। मैं इसको शिरवा बना रही हूँ क्योंकि मुझे सालन बनाना है, हम ऐसे भी रख सकते और रोटी के साथ खा सकते, ठीक है। सो ये मेरा सालन हो गया रेडी, इसमें डालूंगी थोड़ी सी कोथमीर, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी चिकन। चावल रेडी हो गया है, तो ऐसा है ये ना, उज़मा को चाहिए है कि अम्मी एकदम एग्जैक्टली झींगे की तरह बनाए। अब मैं झींगे की तरह कैसे बनाऊँ मैं ट्राई कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। झींगा तो झींगा होता है, चिकन तो चिकन ही होता है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह। हमारे आजम उठ गए भाई, तो हमको सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। आजम उठ गया है। ओ अम्मा, कहो मेरा छोटा बेबी रो रहा था बहुत जोर जोर के, क्यों नहीं जवाब देने का हमको? आपके भाईजान गए हैं दुकान दूध लाने के लिए, तो इसके लिए थोड़ा सी ज़्यादा जोर का रो लिया हो। क्योंकि मैं बोली ना आ रही बेटा, आ रही बेटा, आ रही बेटा, लेकिन आने नहीं हो रहा था मुझे, क्योंकि मैं वहाँ काम कर रही थी, तो रो गया बहुत जोर का। हो गया, मैं डालू नीचे। मैंने उसका खिलौना उसको इंजॉय आदम इंजॉय गया, करवट लेंगे आप फिर रोएगा, उसके रोने तक के मेरे को वापस कुछ करके आना पड़ेगा। आप देखो रोया ना, अरे रुक जा पलटने दे, तो जल जाएगा बच्चे भी ना। चलो तकली आजम, अम्मी ऐसी बात करेगी, अम्मी ऐसी बात करेगी तो ठीक है, नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। तेरी अम्मी हो रे, गले में दुख रहा है इसके लिए बोली रे। शाला अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब? तो आपने जो देखा वो परसों मैंने शूट किया था, कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, तो मुझे याद आया कि मैंने आधा व्लॉग बनाया है उसको एंड भी नहीं किया है। वजह ये थी एंड नहीं करने की, क्योंकि परसों कुछ ज़्यादा बातचीत हो गई थी, तो कल गले की हालत फिर से ख़राब हो गई थी और डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने बोले थे कुछ दिन बात मत करना, अपने आप को रेस्ट देना, ये देना। और उसके बाद पड़ गई उज़मा की छुट्टी, और उज़मा की छुट्टी पड़ गई तो वो दिन दिन भर मेरे साथ ही रह रही थी, और उसकी पढ़ाई, उसको पढ़ाना, उसको पढ़ाएंगे ना, उसके क्वेश्चन एक सवाल का दूसरा सवाल, दूसरा सवाल का तीसरा सवाल होता है, तो उसको ऐसे तो एकदम हर बात पे चुप नहीं करा सकती कि चुप बैठ, मुझे बात नहीं करना चुप। हाँ, दिन में दो तीन बार बोल देती थी कि मेरा अभी बात करने का मूड नहीं है बेटा, आवाज़ फट रही, गला दर्द हो रहा। एक आवाज़ बैठना होता है, एक आवाज़ फटना होता है, मेरी आवाज़ है ना कर कर करके फटती है गले में से ना, टर्टर होता है जब अनलिमिटेड बात हो जाती है तो।
तो कल मैंने इसके लिए व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया। इवन देखो अभी भी मैं बात करूँगी ना, मेरी आवाज़ बीच बीच में फटती, तो ऐसा है, तो इसलिए कल व्लॉग नहीं ख़त्म कर पाई ना, मतलब कुछ शूट ही नहीं कर पाई। चलिए चलो भाई, जो शुरुआत हुई है कम से कम उसको एंड तो कर देते, इसलिए मैंने कैमरा उठाया और अभी मैंने चढ़ाया खुद के लिए चावल। बताती हूँ मैं आप लोगों को, कल बनाई थी मैंने दाल पालक, तो इतनी बची हुई है। तो दोपहर के टाइम पे मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ खाने के लिए। तो चावल चढ़ाया है सिर्फ मैंने यहाँ पे थोड़ा सी, आधा ग्लास, वो सीटी हो जाएगी तो मैं दाल चावल खा लूँगी। तो सबसे पहले खाऊँगी खाना, क्योंकि आप लोग को पता है मैं सुबह सुबह के टाइम में नाश्ता वगैरह करती नहीं हूँ, उसमें अगर स्कूल जाने के बाद ही मैं कुछ खाती हूँ, तो ऐसा है। अभी घर भी साफ करना है, पूरा घर का काम बाकी है। आजम को भी साफ करना बाकी है, आजम को भी वो करना है, क्या बोलते नहलाना है, कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं कुछ और ही काम कर रही थी। कुछ उज़मा को स्कूल जाने के बाद क्या कर रही थी, मेल्स वगैरह चेक कर रही थी, पेमेंट आने का टाइम है भाई तो करना पड़ता है। और क्या बोल रही थी मैं, क्या बोल रही थी देखो भूल गई मैं, मिलती हूँ, याद आ गया। तो फाइनली हमारी जो कार है वो सेल हो चुकी है, बिक चुकी है प्रॉपर तरीके से। सेकेंड में लिए थे, पहली कार थी, नहीं बेचना चाह रही थी मैं उसको, लेकिन अभी ऐसा था ना, वो कार में मुझे और खर्चा नहीं कराना था, खर्चा कराना मुझे भारी नहीं पड़ रहा था, खर्चा कराना नहीं था इस वजह से, क्योंकि वो एक तो पुरानी कार का मैं दो मतलब बहुत साल पुरानी, मतलब 2007 या 2009 की थी, हमने सेकेंड में ली थी और वो हमारी पहली कार थी, तो हम लोग को इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि कौन सी ईयर की गाड़ी लेना चाहिए, क्या देख के लेना चाहिए, क्या नहीं देख के लेना चाहिए, मतलब कितनी तहकीकात करनी चाहिए वो हम लोग को पता नहीं थी। तो हम लोग ने वो ले लिए थे, और लेने के बाद आई थी ना, और उसमें खर्चा नहीं कर रहा था। मानती हूँ मैं, गाड़ी लेना खाने का काम नहीं होता, गाड़ी ले भी लेता है इंसान, बोलते ना हाथी पालने जैसा हो जाता हो, उसका मेंटेनेंस बहुत भारी पड़ता है, लेकिन उन लोगों को मेंटेनेंस भारी नहीं पड़ेगा जिनके यूज़ में आती है कार, जो डेली एक दिन आड़ दो दिन आड़ कार लेके निकलते हैं, उनके लिए ठीक है। यहाँ पे हम मैं सिर्फ महीने में दो बार घर से बाहर निकल रही थी, संडे संडे, वो कभी कभी वो भी नहीं, महीना महीना भर गाड़ी बंद रहती थी, तो बंद रहने की वजह से उसके अंदर खाम निकलता था। और ये सब लोग का मानना है कि अगर गाड़ी चालू नहीं होगी, पड़ी रहेगी, तो उसमें काम निकलेगा ही निकलेगा। और दूसरा, नई गाड़ी हो तो बात अलग भी है, कम ईयर की हो तो बात अलग भी है, वो बहुत पुरानी भी है थी, और ख़ास रखने पे उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता था, तो ज़्यादा बार ख़राब होती थी, कभी भुस-भुस करती थी, कभी गर्म होती थी, कभी क्या होती थी। लेकिन हाँ, जिनको हमने सेल किया उनको सब चीज़ बता के दी, इवन उन्होंने अच्छी तरीके से टेस्ट ड्राइव किए, उन्होंने एक सवा घंटा गाड़ी की तहकीकात करके अच्छी तरीके से प्रॉपरली फिर उन्होंने गाड़ी ली है, हमने सब बताया है, तो ऐसा है। खैर कोई नहीं, अब लेंगे गाड़ी इंशाल्लाह, बिना गाड़ी के तो नहीं रह सकती मैं, लेंगे गाड़ी, लेकिन इस बार अच्छे से देख दिखा के लेंगे, नई का तो अभी सवाल ही नहीं उठता। लेंगे, कब लेंगे, क्या लेंगे, वो भी मालूम नहीं है, जल्दी से जल्दी लूँगी इतना मैं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ इतनी भी हाई नहीं है कि कुछ भी उठा लूँ, पहले कर लिए अंधविश्वास, मालूम नहीं था, नॉलेज नहीं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तो नॉलेज है आपके भाइयों को कि वो खुद से चीज़ें चेक करा सकते, चेक करके ले सकते। और इस बार मैं गलती नहीं करूँगी बिल्कुल भी, इस बार अगर गाड़ी लेने जाऊँगी भी सेकेंड हैंड अगर, तो मैकेनिक का साथ में लेके जाऊंगी अगर गाड़ी में लेते साथ कुछ खर्चा है तो भाई नहीं चाहिए गाड़ी है ना, ऐसा मैं मेरे माइंड में आया था कि ना मैं न्यू कार ले लूँ, हम लोग न्यू कार ले लो, बट देखो अभी मैं रहती हूँ भाड़े पे, यहाँ पे भी खुद प्राइवेट पार्किंग है नहीं, फिर भी है बाहर जगह तो हम लोग कार लगा देते हैं, बट हर जगह ऐसा अवेलेबल नहीं होता। इवन हम लोग का खुद का जो घर है छोटा वाला, वहाँ पे भी कार पार्किंग कुछ अवेलेबल नहीं थी, हम लोग वही बाहर लगाते थे, तो सेकंड थी तो ठीक है। नई गाड़ी लिए अभी आपके भाईजान बाइक, तो उस पहला दिन ही नई बाइक कोई बिल्डिंग के अंदर एंट्री नहीं थी, बाहर रोड पे लगाओ भाई, कहीं पे भी लगाओ, रेंटल को छोड़ देते ऐसी बेसहारा
तो अपना जब ऐसा प्राइवेट पार्किंग वाला घर होएगा ना, तभी फिर नई नई कार निकालेंगे इंशाल्लाह। तब तक के सेकंड पे ही चलेंगे तो ऐसा। तो दुआ करो आप लोग की जल्दी से जल्दी ऐसा मैं खुद का ऐसा घर लूँ जिसमें मैं प्राइवेट पार्किंग का बंदोबस्त कर सकूँ। चलो खैर, मिलती हूँ खाना खा के। मैं व्लॉग बना रही हूँ और पीछे पीछे से इसकी आवाज़ कर रहा है, तुझे समझ में नहीं आता? मेरे पूरे वीडियो में इसकी आवाज़ आ रही है। हाँ, कैसा कर रहा था? करो करो। देखो पैर से पकड़ता उसको, भटंग भटंग करता, कर कर। इसकी आवाज़ आ रही थी पूरी वीडियो में, पकड़ लिया। चलाक लड़का आजम खेल रहा है उससे। चलिए खाना खाने के लिए, दाल चावल और अच्छा आजम खाना खाएगा। बेबा खाएगा, बेबा खाएगा, खाएगा खाना खाएगा। आज उज़्मा को उसके अब्बा स्कूल से लेके आए हैं। वीडियो को एंड करना आज अच्छे से। बाय बाय।